नमस्कार एवरीवन, शीर्षासन की दूसरी टेक्निक और दूसरी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने वॉल के सपोर्ट के थ्रू शीर्षासन बताया, अभी वॉल के अपोजिट साइड से सपोर्ट लेके कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि फाइनली आपको शीर्षासन विदाउट सपोर्ट ही करना है। तो ये टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हो, पहले वाले वीडियो में बताया वो टेक्निक कंफर्टेबल है तो आप उसको यूज़ करिए, अगर ये टेक्निक कंफर्टेबल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये टेक्निक जो शीर्षासन की है उसको करने से पहले अच्छे से मैट होनी चाहिए, या फिर आपके घर में कोई गड़ला है तो उसको रखिए और पी लो, सेफ्टी पहले ही जरूरी है। या फिर किसी को आप खड़े रख सकते हो पीछे, ताकि आपकी बॉडी पीछे गिरे तो आपको वो पकड़ सके। अगर गिरती है तो कैसे गिरना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ पहले, कि अगर बॉडी गिरती है बैलेंस करने में आप स्टार्टिंग में सीखोगे ना तो बॉडी आपकी गिरेगी, तो कैसे गिरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। गिरने के टाइम के आपके दोनों पैर के पंजे पहले लैंड होने चाहिए फ्लोर पे, ना कि आपके हिप्स और स्पाइनल कोड। तो कैसे गिरना है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर सपोर्ट से कैसे करना है शीर्षासन दूसरी वाली टेक्निक में वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। सो इसमें अपने को ऐसे अपोजिट साइड में बॉडी को टर्न कर लेनी है, ऐसे पीलो को सेट करना है ताकि बॉडी हमारी गिरे तो हमें सेफ्टी रहे। सबसे पहले हेड को डाउन किया, जैसे मैंने बताया वैसे पहले वीडियो में, ऐसे हाथ की फिंगर को लॉक किया, एक पैर को वॉल पे रखा और दूसरे वाले पैर को भी वॉल पे रखा, ठीक है, एक पैर वॉल पे और दूसरा वाला पैर वॉल पे, ठीक है। इतना अच्छे से सेट करना है, एक पैर को बैंड किया, फिर दूसरा, आपकी दोनों एल्बो को स्ट्रांग रखना है और दूसरे वाले पैर को भी इतना बैलेंस आपको फाइंड करना है पहले, फिर धीरे से आपके कमर के हिस्से से दोनों पैर को ऊपर की तरफ लेके आएंगे, इतना बैलेंस पहले सीखना है। इतना करने में अगर बॉडी गिरती है तो कैसे गिरना है मैं बताता हूँ। देखो अभी मेरी बॉडी गिरेगी, ऐसे गए नीचे, धीरे से बॉडी अगर गिरती है तो ऐसे पहले पंजे ही जाने चाहिए, देखो ऐसे, ठीक है, गॉट इट। फिर धीरे से डाउन करो और वापिस शीर्षासन में आपको बताता हूं कंप्लीट, ऊपर दोनों पैर सीधा करके ऐसे आप सपोर्ट रख सकते हो या फिर आप किसी को पीछे खड़े भी रख सकते हो। अभी पूरा मैं वापिस रिपीट कर रहा हूं, देखिए, हेड को रखा, लॉक किया, बॉडी एक पैर वॉल पे, दूसरा पैर वॉल पे। ये अभ्यास आपको थोड़ा संभल के करना है, लेकिन बहुत बेनिफिट वाला अभ्यास है, क्योंकि आपको सपोर्ट तो फाइनली छोड़ना ही छोड़ना है, ओके। लेकिन जिसका वेट हैवी है वो मेरा सजेशन रहेगा कि पहला वाला जो टेक्निक है उसको यूज करें, जिनका वेट मीडियम है वो ये चीज करेंगे, ऐसा मेरा सजेशन है। फिर आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन से वाली टेक्निक पसंद आती है, लेकिन सेफ्टी दोनों में जरूरी है। उठाया पैर, दूसरा वाला पैर, धीरे से बॉडी सीधी किया, आराम से पैर को स्ट्रेट, पैर के पंजे ऊपर खींच के रखने हैं, अच्छी तरीके से ग्रिप बना के शीर्षासन को होल्ड करना है। जब आप रिटर्न आ रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके पैर के पंजे ही पहले लैंड होने चाहिए। रिटर्न आने में बैक साइड पे कैसे गिरना है वो मैंने आपको बताया। रिटर्न आने के टाइम पे आप लोग गलतियां करते हैं, मेरे स्टूडेंट ऑनलाइन में करवाता हूं तब, क्या वो दोनों नी के बल आते हैं तो आपके नी कैप के ऊपर डैमेज आ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके फ्रंट साइड पे जब आप शीर्षासन लगे रिटर्न आते हो तब आपको वापिस दोनों पैर की टो के बल ही करना है, ऐसे नहीं आना है, ये जो मैं बता रहा हूँ वैसे नहीं आना, देखना, ऐसे गए और ऐसे दोनों नी के ऊपर लैंड नहीं करना है। कैसे करना है मैं बता देता हूँ, देख लीजिए, बॉडी ऊपर उठाया, सीधा किया, रिटर्न आ रहे हो शांति से आओ और ऐसे पहले पंजे ही लैंड होने चाहिए, गॉट इट। और शीर्षासन में आपको क्लियर पहले थियोरिकली समझना है कि हमारी ये जो ग्रिप है उस ग्रिप के ऊपर बॉडी का 85% वेट आना चाहिए, बाकी 15 से 10% वेट हमारे हेड के ऊपर, नेक के ऊपर आएगा।
तो ये दो टेक्निक है, अच्छे से समझना है और करना है। अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ के एडवांस योगा सीखना चाहते हो तो यू मोस्ट वेलकम। मेरा नंबर है 7359720003। शीर्षासन सारे आसनों का राजा है और शीर्षासन करने से बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे मैंने आगे भी बताया है। ज़्यादा बेनिफिट आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। थैंक यू वेरी मच।